हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल लुक्स एंड फ्लेवर्स। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ अमरूद के ऐसे चमत्कारी फ़ायदे जो शायद आप नहीं जानते होंगे। किन किन बीमारियों में अमरूद का सेवन लाभकारी होता है, अमरूद को किस तरीके से सेवन करना चाहिए, कितनी मात्रा में इसको सेवन करना चाहिए, तो सारी जानकारी आज आपको मैं इस वीडियो में दूंगी। और इसको खाने से हमें क्या क्या स्वास्थ्य लाभ होते हैं। दोस्तों, अमरूद वैसे तो एक साधारण सा फल है और खास करके गाँव जैसे जो इलाके होते हैं, जो ग्रामीण इलाके होते हैं, वहाँ पर अमरूद के पेड़ बहुत ज़्यादा होते हैं। अमरूद को अमृत फल भी कहा जाता है। दोस्तों, बनारस में सब लोग इसको अमृत के नाम से पुकारते हैं, हम लोग इसे कहते हैं अमरूद। जाम फल के नाम से भी इसे बुलाया जाता है। दोस्तों, आपके यहाँ अमरूद को, जाम फल को, अमृत को क्या कहते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। वैसे आम तौर पर इसे अमरूद के नाम से जाना जाता है, इंग्लिश में इसको कहते हैं ग्वावा। दोस्तों, अमरूद खाने में तो स्वादिष्ट होता ही है, लेकिन इसके औषधीय गुण बहुत अधिक होते हैं। ये बहुत अधिक पौष्टिक होता है और कई बीमारियों को दूर करने में अमरूद का प्रयोग बहुत ही लाभकारी है। अमरूद के साथ साथ इसके पत्ते भी बहुत ही अधिक फायदेमंद होते हैं। कई तरह की औषधि के रूप में अमरूद के पत्तों का प्रयोग किया जाता है, तो मैं आपको अमरूद के भी फायदे बताऊंगी और इसके पत्तों को किस तरह से आपको प्रयोग करना है वो भी आपको बताने वाली हूँ। अमरूद खाने में मीठा भी होता है, फीका भी होता है और कई बार इसका स्वाद खट्टा भी होता है, तो हर तरह के स्वाद में ये मिलता है। कई बार मीठे फल सेहत को नुकसान पहुँचाते हैं, खासकर जिन लोगों को डायबिटीज़ की समस्या रहती है वो लोग मीठे फलों को अवॉइड करते हैं, लेकिन अमरूद अगर मीठा आप खाते हैं तो उसका कोई नुकसान नहीं होता, क्योंकि इसकी जो शुगर होती है, जो मिठास होती है, वो नेचुरल होती है, तो डायबिटीज के रोगी भी इसको आराम से खा सकते हैं। पेट के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है अमरूद। अमरूद खाने से पेट के सभी रोग दूर होते हैं। दोस्तों, आयुर्वेद में अमरूद को त्रिदोष नाशक माना गया है, यानी वात, पित्त और कफ तीनों तरह के रोगों को दूर करने में लाभकारी होता है अमरूद का सेवन। अगर आपका शरीर वात रोग से पीड़ित है, आपको मोटापे की समस्या है, पेट से जुड़ी समस्याएं हैं, कब्ज की समस्या रहती है, खट्टी डकारें आती हैं, पेट फूला रहता है, बदहजमी की समस्या है, आपको भूख नहीं लगती, तो अमरूद का सेवन करें। अमरूद में ढेर सारा फाइबर होता है जो कि आपके पेट को स्वस्थ रखता है, आपकी आंतों को साफ करता है, क्योंकि दोस्तों इसमें होते हैं लेक्सेटिव गुण जो कि आपके कब्ज की समस्या को दूर करते हैं, पेट को साफ करते हैं और आपकी भूख को बढ़ाते हैं। डायबिटीज के रोगियों के साथ साथ किडनी के रोगों के लिए भी अमरूद का सेवन बेहद फायदेमंद है। किडनी को साफ करता है, लीवर को डिटॉक्सिफाई करता है अमरूद का सेवन। जिन लोगों में खून की कमी रहती है ना दोस्तों, उन्हें अमरूद का जरूर सेवन करना चाहिए। रोजाना 1 से 2 अमरूद आप खाएं, आपके शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा खुद ब खुद बढ़ने लगेगी, आयरन की कमी पूरी होने लगेगी, क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में आयरन भी होता है। गर्मी के मौसम में तो आपको अमरूद का सेवन जरूर करना चाहिए दोस्तों, क्योंकि आयुर्वेद के अनुसार अमरूद की जो तासीर होती है वो ठंडी होती है, इसलिए अगर आप अमरूद का सेवन करते हैं तो गर्मी में आपको ठंडक मिलती है। जिन लोगों को पित्त की ज़्यादा समस्या रहती है, गर्मी ज़्यादा रहती है शरीर में, उन्हें तो रोज़ाना ही एक अमरूद का सेवन ज़रूर करना चाहिए। अमरूद में थोड़ी सी काली मिर्च और काला नमक डाल करके आप अमरूद को खाएं, इससे आपका पेट भी साफ होता है। तो जिन लोगों को कब्ज की समस्या रहती है, सुबह सुबह खाली पेट उठ करके एक अमरूद को काट लें और उस पर काली मिर्च और काला नमक डाल करके खाएं, आपके पेट के सभी रोग दूर हो जाएंगे। दोस्तों, डायबिटीज़ के जो रोगी होते हैं उनको प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, तो इसके लिए आप अमरूद को खाएं, अमरूद के छोटे छोटे टुकड़े करके इसको पानी में डाल दें और कुछ देर के बाद इसका जो पानी है ना उसको पी लें, काफ़ी लंबे समय तक आपको प्यास नहीं लगेगी। हृदय रोगों से भी बचाव करता है अमरूद का सेवन। दोस्तों, अमरूद को अच्छी तरह से चबा चबा कर खाएं, अच्छे तरीके से चबा करके इसको खाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप इसको चबाएंगे नहीं, इसके पूरे पोषक तत्व आपके शरीर को नहीं मिलेंगे। तो बहुत ही अच्छा फल है, अच्छे से इसको चबा करके खाएं, धीरे धीरे इसको खाएं और इसके पूरे फायदे आपके शरीर को मिलते हैं। आपको उल्टी की समस्या हो रही है तो भी आप अमरूद पे काला नमक डाल करके खाएं, उल्टी तुरंत ही बंद हो जाती है। अमरूद की चटनी बना करके खाने से आपके हृदय रोगों में लाभ मिलता है। 2 अमरूद ले लें और उसको मिक्सी में ग्राइंड करके उसमें नमक काली मिर्च डाल करके उसकी चटनी बना लें और रोज़ाना अमरूद की चटनी का सेवन करें। इससे आपका हृदय मजबूत होता है, हृदय को बल मिलता है और हृदय रोगों में लाभ मिलता है।
डेली एक अमरूद का सेवन करना आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है। अगर आपको सर्दी खांसी जुकाम कफ की समस्या जल्दी पकड़ लेती है, छाती में कफ जमा हो गया है, तो अमरूद का सेवन करें। किस तरह से सेवन करना है, एक अमरूद ले लें और उसको आप गैस पर रख करके भून लें। भूनने के बाद में उसमें नमक डाल करके उसको खाएं। इससे छाती का जमा कफ भी दूर होता है, सर्दी खांसी में लाभ मिलता है। अमरूद में थोड़ा सा शहद मिला करके लेंगे तो सूखी खांसी में भी आराम मिलेगा, क्योंकि दोस्तों इसमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है जो कि आपके शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाता है और खांसी जुकाम कफ जैसी समस्या को दूर करता है। एसिडिटी की समस्या को भी दूर करता है अमरूद का सेवन। आपको एसिडिटी की समस्या है, पेट में जलन हो रही है, तो दोस्तों अमरूद के पत्तों का काढ़ा बना करके पिए। तो ये अमरूद के पत्ते हैं जो कि आपको आराम से अमरूद के साथ ही मिल जाते हैं। जहाँ से आप अमरूद लेंगे वहीं से आपको अमरूद के पत्ते भी मिल जाएंगे। तो अमरूद के पत्तों को अच्छे से धो लें और उसके बाद में इसको पानी में उबाल करके उसका काढ़ा बना लें। इस काढ़े को पिएंगे तो आपके पेट को आराम मिलेगा, एसिडिटी की समस्या शांत होगी और पेट में दर्द भी खत्म हो जाएगा। दो पत्ते अमरूद के ले लें और उसको तोड़ करके सुबह सुबह खाली पेट अच्छे से इसको चबा करके खाएं और उसके बाद आप एक गिलास गर्म पानी पी लें। सिर्फ दो पत्ते भी आप रोज़ाना अमरूद के चबा लेते हैं ना, तो आपको बहुत अधिक फ़ायदे मिलते हैं। इसके कई बीमारियों से आप बचे रहते हैं, दूर रहते हैं, आपका पेट साफ होता है, कब्ज़ की समस्या दूर होती है, डायबिटीज़ के रोगियों के लिए बहुत अधिक फ़ायदेमंद है अमरूद के पत्तों का सेवन। तो दो पत्ते ले लें, दो पत्तों को तोड़ करके इसको अच्छे से चबा करके खाएं और साथ में गर्म पानी पी लें। चाहें तो दो पत्तों को हमाम दस्ते में पीस लें, इसकी चटनी बना लें और पानी में घोल करके भी आप इसको ले सकते हैं। दोस्तों अमरूद के पत्तों में इम्यूनो मॉड्यूलेटरी गुण पाया जाता है जो कि आपके शरीर की रोगों से लड़ने की शक्ति को बढ़ाता है और कई मौसमी बीमारियों से भी आपकी रक्षा करता है। इसके अलावा दोस्तों जामफल की पत्तियों को पीस करके इसका पेस्ट अगर आप चेहरे पर लगाते हैं तो चेहरे की चमक बढ़ती है, चेहरे की झुर्रियाँ दूर होती हैं, आपके चेहरे पर मुहासे हैं, दाग धब्बे हैं वो भी खत्म होते हैं और आप अधिक जवान और खूबसूरत नज़र आते हैं। कि पत्तियाँ हमारी स्किन के लिए, हमारे बालों के लिए बहुत अधिक फ़ायदा करती हैं। अमरूद की पत्तियों को पीस करके उसको पानी में उबाल लें और उससे अपने बाल धोएंगे तो बालों का झड़ना भी बंद होगा, आपका हेयर फॉल कंट्रोल होगा और बाल तेज़ी से बढ़ने भी लगेंगे। तो इतने अधिक फ़ायदे हैं अमरूद के सेवन के और इसके पत्तों के। तो आज की इन्फॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल लुक्स एंड फ्लेवर्स को सब्सक्राइब कर लें। मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।